बस खुशी की बात है। पहले तो एक्सपेक्टेशन था कि उसी में हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो पहले निराशा हाथ लगी हुई, लेकिन अचानक से सप्लीमेंट। हाँ, अचानक से तो फिर पॉजिटिव सोच है। तो के पाटा के साथ काम करना है। हाँ, पिताजी आर्मी के हैं सर। आर्मी के हैं। हाँ, के पाटा कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। ऐसा रहे तो हमारा दिल्ली केजरीवाल सरकार से भी ऊपर जाएगा। ये खुशी है? खुशी तो मत कहिए, शब्दों में नहीं कह सकते हैं। निराशा आ गई होगी, रिजल्ट नहीं निकला, फिर सप्लीमेंट्री में आ जाता है नाम। हाँ, तो पिछला बार तैयारी बढ़िया से नहीं हो पाया, इसी फ्रस्ट्रेशन तभी तो निकल गए। तो फिर सप्लीमेंट्री में हुआ तो खुशी थोड़ा सा बढ़ गया। ज़्यादा खुशी हो गई? बढ़ गई खुशी। UPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा के पहले फेज में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया है, जिसके बाद उस रिजल्ट के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जा रही है आज। और सबसे खुशी की बात है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ये लोग निकले हैं। क्या, कहाँ से है मैम? कहाँ से है? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से ही है रहने वाली भी? हाँ, टीचर बन गई हैं यहाँ। मैं पहले से भी नियोजित टीचर हूँ। नियोजित टीचर है। हाँ। कितनी खुशी हो रही है BPSC वाली मैडम? अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले में रिजल्ट नहीं आता, फिर सप्लीमेंट्री में आता है, तो कितनी खुशी की बात रहती है? खुशी तो है, बट ज़्यादा खुशी रहती है पहले में नहीं निकल, दूसरे में लेकिन निकल गया। कितना नंबर से छूट गया था जो दूसरे में? नहीं, 2 मार्क्स से छूट रहा था तो हो गया, सप्लीमेंट्री में हो गया। हाँ, काफी खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है। कहाँ, अब तो गांव में बोलेंगे BPSC वाली मैडम। अरे ऐसा, काफी खुशी है। हाँ, मैम रिजल्ट आया तो खुशी ही होगा ना। काफी खुशी है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, रिजल्ट आया, सप्लीमेंट्री में ही आया, बट आया TRD 1 का ही है। अच्छा, काफी खुशी है KK पाठक के साथ काम करने को मौका मिलेगा। मैं पहले से उनके साथ काम कर ही रही हूँ, नियोजित शिक्षक। हाँ, क्या, कितनी खुशी है मैम? बहुत खुशी है। अच्छा, पहले में रिजल्ट नहीं आता है, सप्लीमेंट्री में आता है, तो कितनी खुशी रहती है? बहुत ज़्यादा खुशी। इसमें रिजल्ट निकल गया। हाँ। निराश थी? हाँ, निराश थी। निराश थी क्या मैम? निराश हो गई होगी, नहीं निकला, दूसरी बार एग्जाम देना होगा, फिर निकलेगा? नहीं, निराशा थोड़ा, रिजल्ट नहीं आने से थोड़ा दुख होता है, बट लगे रहना ही है, लाइफ तो यही है ना कि हाँ बस अभी नहीं है तो नेक्स्ट में करो। क्या मैम, निराशा तो हो गई होगी? हाँ, निराशा तो हो गई। निकल गया। हाँ, कहाँ की रहने वाली है? समस्तीपुर। समस्तीपुर की। पहले भी टीचर थी? नहीं नहीं, फ्रेशर है। तो काफी खुशी हो रही है। हाँ। बच्चों को पढ़ाएंगे, BPSC वाली मैडम हो गई है। यूँ तो है, काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि सप्लीमेंट्री में रिजल्ट आता है, तो जब निराशा हाथ लगती है उसके बाद जब सप्लीमेंट्री मिलता है काफी खुशी रहती है। कहाँ से हैं भैया? हम बख्तियारपुर सिटी से हैं। बख्तियारपुर सिटी। कितनी खुशी है? खुशी तो मत कहिए, शब्दों में नहीं कह सकते हैं। निराशा आ गई होगी, रिजल्ट नहीं निकला, फिर सप्लीमेंट्री में आ जाता है नाम। हाँ, तो पिछला बार तैयारी बढ़िया से नहीं हो पाया, इसी फ्रस्ट्रेशन। तभी तो निकल गए। तो फिर सप्लीमेंट्री में हुआ तो खुशी थोड़ा सा बढ़ गया। ज़्यादा खुशी हो गई? बढ़ गई खुशी। कितना मार्क्स से छूट गए थे? 2 मार्क्स। 2 मार्क्स से अब तो निकल गया, काफ़ी खुश है। खुश तो होना भी चाहिए, खुश हैं। तो पढ़ाना होगा BPSC वाला? हाँ, तो पढ़ा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। KK पाठक के साथ काम करने कितना अच्छा लगता है? अभी तो उनका मैं परफॉर्मेंस देख कर बहुत अच्छा लग रहा है। कि अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या, कहाँ से हैं आप? हम तो मुजफ्फरपुर से हैं सर। कितना था? मेरा तो कट ऑफ के इक्वल मार्क्स था, डेट ऑफ बर्थ के कारण हम मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं बना। निराशा हाथ लग गई होगी? निराशा तो संभाव ये स्वाभाविक है, लेकिन ये रिजल्ट सप्लीमेंट्री में दिया गया, इसलिए हम लोग बहुत खुशी। अच्छा, अचानक जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया हुआ तब कितना खुश है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। कहाँ से हैं मैम आप? हिलसा, नालंदा। नालंदा से हैं। हाँ। अच्छा, क्या, सप्लीमेंट्री में रिजल्ट आना कितनी खुशी की बात रहती है? बस खुशी की बात है। पहले तो एक्सपेक्टेशन था कि उसी में हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। तो पहले निराशा हाथ लगी हुई, लेकिन अचानक से सप्लीमेंट्री। हाँ, अचानक से तो फिर पॉजिटिव सोच है। तो KK पाटा के साथ काम करना है? हाँ, डट के करना है। हाँ, पिताजी आर्मी के हैं सर। आर्मी के हैं। हाँ। KK पाटा कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा। ऐसा रहे तो हमारा दिल्ली केजरीवाल सरकार से भी ऊपर जाएगा। ये खुशी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो काउंसलिंग सेंटर पर आए हुए हैं काउंसलिंग कराने, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। क्या मैम, कहाँ से हैं? पारू से जी। तो BPSC वाली मैडम नंबर से छूटा था सर? 1 नंबर से। 1 नंबर से छूट गया जी। अब तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल गया जी। अच्छा, पहले तो निराशा हाथ लगी होगी, मात्र 1 नंबर से छूट गया जी, बहुत। फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है जी, काफ़ी खुश है। हाँ, खुश है सर। तो BPSC वाली मैडम हो गई हैं जी। तो BPSC वाली मैडम हो गई हैं, काफ़ी खुश हैं। और 1 नंबर से छूट गया था, लेकिन फिर क्या, कहाँ से आप? समस्तीपुर से। समस्तीपुर से। कितनी खुशी है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकल गया?
खुशी है बस। कितना नंबर से छूट गया था? डेट ऑफ बर्थ मेरा कम था। डेट ऑफ बर्थ काफी निराशा हाथ लगी हुई, डेट ऑफ बर्थ कम है। अब निकल गया ना जी, काफी खुश हैं। क्या कहाँ से हैं आप? मुरौल ब्लॉक। कितनी खुशी है सप्लीमेंट्री रिलेट? बहुत खुशी है क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ से छट गए थे हम पिछली बार, और इस बार मेरा हो गया सिलेक्शन, तो खुशी तो होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी खुश हैं। 25 काउंटर लगाए गए हैं काउंसलिंग को लेकर। आपको बता दें कि बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी पहले फेज में, उसकी आज काउंसलिंग की शुरुआत की गई है। वहीं जो बीपीएससी बनकर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 नंबर और 2 नंबर से छूट गया था, लेकिन आज काफ़ी खुशी है।